लोग चाहते हैं कि होली फैमिली के सोझा से रोड हो जाए, पुल हो जाए, हम लोग को दिक्कत होता है आने जाने के। कई दिन भूखे रहेंगे, चूल्हा में पानी हिल गया, घर में पानी हिल गया, तो मदद नहीं है। परेशानी हो रहा है कि ना प्रशासन, परेशानी नहीं होगा, कोई नहीं आया है। तो हम आए हुए हैं पटना सदर क्षेत्र में स्थित नट्टा दियारा के वार्ड नंबर 13 और 14 में, और हम यहाँ के लोगो से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का जो जनजीवन है कितनी परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं। उनके घरों में पानी घुसा हुआ है और उनका खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। पटना सदर क्षेत्र में स्थित ये जो नट्टा दियारा का जो ये वार्ड नंबर 13-14 है, इसमें लगभग 3000 जो लोग हैं वो रहते हैं। उससे हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि उनके यहाँ क्या स्थिति है। जान जोखिम में रखकर लोग मतलब कि नाव पर जा रहे हैं, प्रशासन तो मना कर दिया है नाव, क्या डर नहीं है? नहीं, हम लोग का सर देखिए, एक्चुअली बात यह है कि हम लोग का यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है जाने के लिए। हम लोग को जो भी यात्रा करना है नाव से करते हैं, और हम लोग को सरकार 4 गो नाव दिया है फिलहाल, इसी से हम लोग यात्रा करते हैं। देख रहे हैं बच्चा छोटे छोटे हैं और सब, मतलब कितना रिक्सी है, जानलेवा गिर के। तो ये नट्टा दियारा का वार्ड नंबर 13-14 वार्ड है। हाँ, 13 और 14 वार्ड। तो कितने घरों में पानी घुसा होगा? लगभग मतलब 14 गली है, 8 गली में पानी घुस चुका। हम लोग चाहते हैं कि होली फैमिली के सोझा से रोड हो जाए, पुल हो जाए, हम लोग को दिक्कत होता है आने जाने के। अभी तक डूब गया, कोई देखने नहीं आया। हम लोग खाने पीने के व्यवस्था चाहते हैं। मचान पर बना रहे हैं, ईंटा जोड़िया कर ऊपर चूल्हा धो के बना रहे हैं खाने के लिए। कई दिन भूखे रहेंगे, चूल्हा में पानी हिल गया, घर में पानी हिल गया था, पानी घुस गया। कितनी परेशानी हो रही है? पूरा परेशानी है, लड़का फैका के लेके हगने मुतने के पूरा दिक्कत है। प्रशासन की तरफ से कुछ मतलब मदद मिला कि नहीं? मदद नहीं है। विधायक और सांसद पहुँचे यहाँ पर? कहाँ, नाल थी नजनी के नहीं आए। तो कितने दिनों से परेशानी है? ये तो 12 दिन ले परेशानी हो गया। तो परेशानी हो रहा है कि ना प्रशासन, परेशानी नहीं होगा। घर में पानी घुस गया है? घर में सब पानी है, अगल बगल पानी दहले है। अच्छा, तो सांप गुजर का भी डर रहता होगा? हाँ, साफ गुजर के डर रहता है ना। अच्छा, परेशानी तो बढ़वे करेगा सर, घर में पानी ढूकेगा तो परेशानी बढ़ेगा ना। प्रशासन के द्वारा कोई आप लोगों को मदद नहीं मिला? प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिला? अभी तो नहीं मिला सर। कहीं भी जाने के लिए तो परेशानी है ना, नाव से जाना पड़ता है। नाव से जाना पड़ता है। ये बताओ कि तुम लोग वोट देती हो? हाँ। तो विधायक जी, नेता जी, मुखिया जी आया कि नहीं आए? कोई नहीं आया है। अच्छा, बहुत घुस गया। अच्छा, कितना घर में पानी घुसा होगा? 50 या 100 में। 100 घर में? हाँ। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ गए? जैसे घर में पानी घुसा हुआ है, वो कहाँ गए? लाइन पर रहता है, यहाँ से चला गया। हाँ। तो देख सकते हैं कि ये दियारा का ये तस्वीर है, नट्टा दियारा पंचायत का ये जो तस्वीर है। ग्रामीण जो जनता है, लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि होने के चलते नाव से ये यहाँ से पलायन मतलब कर रहे हैं। बता दें कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो गंगा का जो रौद्र रूप है उसको देखते हुए गंगा में नाव जो है उसका परिचालन बंद करने का आदेश का यहाँ पर सीधा सीधा या उल्लंघन हो रहा है। और जो क्षमता से ज़्यादा नाव पर जो सैकड़ों जो लोग हैं वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। और कभी भी तेज जो गंगा का जो धारा है उस पर ये मतलब कि जो नाव है वो चपेट में आ सकती है, लेकिन लोग अपने जान जोखिम में रखते हुए लोग अपना गंतव्य स्थान जा रहे हैं। लोगों ने कहा है कि यहाँ पर राहत सामग्री के तौर पर जिला प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि यहाँ पर राहत सामग्री शुरू करें और लोगों की जो सुविधाएं हैं मूलतः वो यहाँ पर मिले। कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों ने देशवा न्यूज के माध्यम से मदद के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, जिला प्रशासन से मांग दोहराया है। देखते रहिए देशवा न्यूज। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।